अद्विति त्यागी हूँ। तो कुल मिलाकर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो कि देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है, लेकिन बीते कुछ सालों से जेएनयू सिर्फ गलत वजहों से सुर्खियों में रहा है। रविवार को कैंपस में छात्रों के दो गुटों में किस तरह से मारपीट हुई, वीडियो हमने आपको दिखाया, तस्वीरें हमने आपको दिखाई। छात्र संघ ने मारपीट और तोड़फोड़ का आरोप एबीवीपी पर लगाया है। वहीं एबीवीपी ये कह रहे हैं कि ये सब तो लेफ्ट ने किया है, तो यानी एबीवीपी और लेफ्ट एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं इस वीडियो में आपने ये भी देखा कि रविवार देर शाम नकाबपोश लोग, जी हाँ, नकाब पहने युवकों की भीड़ कैंपस में पहुंच जाती है। छात्रों, हॉस्टल और वाहनों पर लाठियों से, पत्थरों से, लोहे के रॉड से हमला किया जाता है। इस हमले में 25 से ज्यादा छात्र घायल भी हो जाते हैं, जिनका एम्स ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। और इस हिंसा पर सियासत भी शुरू हो जाती है। विपक्ष ने इस हिंसा के बहाने सरकार को कॉर्नर करने की, घेरने की कोशिश की है। तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि विपक्षी दल जेएनयू को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। इसीलिए हमारी बड़ी बहस के सवाल ये कि जेएनयू में हिंसा के पीछे लेफ्ट या राइट या दोनों, जेएनयू में जंग फीस विरोधी या फिर सरकार विरोधी, जेएनयू को सुलगाने की साजिश का सूत्रधार है कौन? विपक्ष की राजनीति का कैंपस बन गया है क्या जेएनयू? और साथ ही देश भर में कैंपस को सुलगाने की राजनीति आखिरकार कौन कर रहा है, या ये कहना चाहिए कैंपस को सुलगाने की साजिश कौन कर रहा है? आपको बता देती हूँ, मेरे कई सहयोगी इस वक्त साथ में हैं। आप सचिन को देख पा रहे हैं, जेएनयू से हमारे साथ हैं। अंकुर त्यागी मुंबई से हमारे साथ हैं। रूफी जैदी को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मनीष शुक्ला हमारे साथ, नीरज गौड़ हमारे साथ और कई खास मेहमान हमारे साथ। ऋषि मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट कांग्रेस की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं। रोहित चैल बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, सुनील चोपड़ा लेफ्ट का पक्ष रखने के लिए, और साथ ही गीता भट्ट पॉलिटिकल एनालिस्ट और आरएसएस की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखती हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सचिन आपके पास आ रही हूं इस सवाल के साथ। अच्छा सचिन, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले दो तस्वीरें। एक तरफ 4 जनवरी की तस्वीरें और फिर 5 जनवरी की तस्वीरें, यानी शनिवार और रविवार की तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। आप देखिए नकाबपोश लोग, ये छिपकर बैठने वाले लोग कौन है, ये चेहरे को छिपाने वाले लोग कौन है, ये चेहरा छिपाने की नौबत कैसे आ गई? आपको ये भी याद होगा 4 तारीख को प्रोफेसर के साथ बदसलूकी के आरोप लगे थे, ये आपको याद होगा। प्रोफेसर का फोन छीनने का आरोप लगा था, ये भी आपको याद होगा। और साथ ही गार्ड की पिटाई का मामला सामने आया था। आपको याद होगा वाईफाई टर्न ऑफ करने की बात कही गई थी ताकि छात्र उसे एक्सेस ना कर पाए, छात्र वाईफाई का इस्तेमाल ना कर पाए, उनके पास इंटरनेट ना हो, इस तरह के आरोप भी लगे थे। लेकिन दोनों तस्वीरें 4 जनवरी और 5 जनवरी की तस्वीर, ये सर्वर रूम की तस्वीर, ये चेहरा छिपाकर बैठने वाले लोग कौन है? और दूसरी तरफ ये जो तोड़फोड़ की जा रही है, ये जो हाथ में रॉड डंडे लेकर लोग निकले हुए हैं, आप इन्हें छात्र कहेंगे? पहले तो आप इन तस्वीरों को देखकर, जो मैं सोच रही हूँ शायद आपकी भी वही राय हो, इन तस्वीरों को देखकर जो सवाल सबसे पहले जहन में आता है, क्या ये किसी यूनिवर्सिटी कैंपस की तस्वीरें हैं या फिर ये कोई अखाड़ा है? अखाड़े में भी एक डेजिग्नेटेड एरिया होता है जहां पर आपको अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलता है, लेकिन यहां पर तो छात्र जिस तरह से संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिस तरह से नकाबपोश लोग छात्रों को टारगेट कर रहे हैं, बहुत ही चिंता बढ़ाने वाला है। राइट लेफ्ट सेंटर आप किसी भी आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हो, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी से ऐसी तस्वीरें आए तो आपको, हमें सभी को, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को सोचने की जरूरत है। आपको सीधे लेकर चलती हूँ मेरे सहयोगी सचिन अरोड़ा के पास, जेएनयू कैंपस में मौजूद है। सचिन, 25 से ज्यादा लोग जख्मी जिसमें टीचर्स शामिल बताए जा रहे हैं, जेएनयू में इस वक्त क्या हालात है? क्योंकि कुल मिलाकर अगर तथ्यों के लिहाज से बात की जाए तो ये कहने की कोशिश की जा रही है तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन की लड़ाई थी। सिर्फ रजिस्ट्रेशन की लड़ाई नहीं थी अदिति, हम कहीं ना कहीं पीछे जाते हैं। मुझे ऐसा कि वो तस्वीरें जब हमने देखी थी आज से 3 साल पहले, जिस वक्त अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर वो चंद छात्र, मैं ये कहता हूं कि वो चंद छात्र या फिर उन्हें छात्र कहना भी जो है वो ठीक नहीं होगा, चंद अराजक तत्व जब वहां पर बात करते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, या फिर भारत की, भारत से जंग रहेगी यहां पर, या फिर कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, अफसल गुरु की बरसी मनाने की इजाजत दी जाती है, सब कुछ जो है अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर। अगर उस वक्त वो एक आइडियोलॉजी को ना उठाया जाता या फिर उस कुछ चंद छात्रों के आइडियोलॉजी को ना उठाया जाता और एक राजनीति का बड़ा अखाड़ा क्रिएट ना किया जाता, तो शायद कल की वो जो हमने एक भयावह तस्वीर देखी वो नहीं आती। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं जेएनयू का इस वक्त का गेट,
पीछे हजारों छात्र होंगे इस कैंपस में, और कल वो 20 से 25 छात्र या 20 से 25 गुंडे मैं कहूं कि कौन थे जो नकाबपोश करके आते हैं, फिर उसके बाद दोबारा एक बार फिर से राजनेताओं को राजनीति करने का मौका मिल जाता है। वृंदा कारात सीधे तौर पर आती है, सरकार पर इल्जाम लगाती है, कहती है कि बिना पुलिस के जो है ये हो नहीं सकता। अब यहाँ पर विरोधाभास देखिए, सलमान खुर्शीद बाहर आते हैं, सलमान खुर्शीद ये कहते हैं कि देखिए पुलिस बाहर मौजूद थी, पुलिस अंदर क्यों नहीं पहुंची जब 20 से 25 लोग गुंडागर्दी कर रहे थे। यही पुलिस जिस वक्त गुंडागर्दी को कंट्रोल करने के लिए अंदर पहुंची थी जामिया में, तब आपको याद होगा, तब हाँ तो यूनिवर्सिटी कैंपस में कैसे घुस गई। मेरे ख्याल से इस वक्त बहुत हाई टाइम है, भले जादवपुर यूनिवर्सिटी हो या फिर ये जेएनयू यूनिवर्सिटी हो, बगैर राजनीति के विशुद्ध तरीके से उन तत्वों को अलग करने का, अलग थलग करने का, जिनके कंधे पर रख करके कुछ राजनीतिक दल या ऐसी विचारधारा पूरे देश में स्टूडेंट्स के माध्यम से या तो अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वो ऐसी कोशिश में सफल होते दिख रहे हैं। इस वक्त ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनकी पहचान की जाए। गृह मंत्रालय इस पर पूरी नजर रखे हुए है, गृह मंत्रालय इस पर नजर बनाए हुए। मनीष शुक्ला क्या कह रहा है गृह मंत्रालय, क्योंकि अगर इस तरह से नकाबपोश लोग हाथ में रॉड डंडे लेकर तोड़फोड़ करेंगे तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी। इस बीच बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि जेएनयू हिंसा केस में दिल्ली पुलिस ने एक FIR दर्ज की है, कुछ हमलावरों की पहचान की गई है, शिनाख्त की गई है। ज्यादा डिटेल्स के लिए सीधे नीरज गौड़ का रुख कर लेते हैं। मैं आऊंगी मनीष आपके पास। नीरज, इस FIR को लेकर क्या डिटेल्स हैं, कौन है नकाबपोश लोग? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस की टीम है लगातार जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, और मैं आपको बताऊं कि अंदर भी पहुंची है, जेएनयू के अंदर जो पूरा सीक्वेंस है उसको जानने की कोशिश कर रही है, साबरमती ढाबे के पास पहुंची है, और इसी के साथ में जहां पर तोड़फोड़ की गई है वहां पर पुलिस पहुंची है। कुछ पुलिस को वहां पर पत्थर भी मिले हैं, लेकिन जो हमारे सूत्र है उनका कहना है कि क्राइम ब्रांच को इस पूरे मामले की जांच दे दी गई है, और पुलिस ने जेएनयू प्रशासन से सीसीटीवी की फुटेज मांगी है जिसके जरिए वो ये पता लगाएगी कि आखिरकार में नकाबपोश अंदर जो लोग थे वो कितनी संख्या में आए थे और आखिरकार वो लोग कौन थे, उनकी पहचान करने की कोशिश की जाएगी। और इसी के साथ पुलिस का ये भी कहना है कि जल्द ही इस मामले में कई लोगों को पुलिस गिरफ्तार भी करेगी, क्योंकि पुलिस का कहना है कि पहचान लगभग लगातार करने की कोशिश की जा रही है। और वहीं इसी के साथ जो अंदर पढ़ने वाले छात्र हैं जिनके बारे में पुलिस को लगातार कहीं ना कहीं जानकारी मिली है, उनके जो फोन कॉल्स हैं उनकी भी कॉल डिटेल पुलिस ने मांगी है, जिसके जरिए पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार में ये नकाबपोश किसके सहारे अंदर आए थे। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि अंदर जो है नकाबपोश लोगों में से कुछ की पहचान की गई है, FIR दर्ज की गई है। अब देखने वाली बात ये कि किस तरह से पूरा मामला बढ़ेगा, क्योंकि इसकी जांच क्राइम ब्रांच को भी सौंपी गई है। अश्विनी का रुख कर लेती हूं, अरविंद केजरीवाल मीटिंग कर रहे हैं, क्या टॉपिक है, क्या किस मुद्दे पर, क्योंकि हमने तो लगातार सियासत सियासत और सिर्फ सियासत देखी है। बिल्कुल, देखिए जेएनयू में जिस तरह से हिंसा हुई है उस मामले को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने अपने घर पर एक मीटिंग बुलाई है। इसमें जो कैबिनेट मंत्री हैं वो मौजूद हैं और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी मौजूद हैं, और इसपे मीटिंग करके ये डिसाइड किया जाएगा कि इसमें क्या सरकार की तरफ से क्या निर्णय लिया। अश्विनी के साथ संपर्क टूट गया, लेकिन अगर जितना उन्होंने अपडेट दिया उसके हिसाब से सरकार के रुख को लेकर फैसला इस मीटिंग में लिया जाएगा। मनीष का रुख कर लेती हूँ, संक्षेप में सबका एक कमेंट चाहती हूँ मैं, क्योंकि कई खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हैं। मनीष, गृह मंत्रालय इस पूरे मामले को कैसे देख रहा है, और दिल्ली पुलिस वैसे भी गृह मंत्रालय के अंडर ही आती है। जी बिल्कुल, देखिए अदिति, गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले में कल ही रात में पुलिस कमिश्नर से बात की थी, और जनरली कभी होम मिनिस्टर ऐसे जो मारपीट की घटनाएं होती हैं या क्राइम की घटनाएं होती हैं उसमें वो इंटरफेयर नहीं करते, तो जाहिर तौर पर होम मिनिस्ट्री ने काफी सीरियसली लिया हुआ है। जो हमारे पास जानकारी आई है कि IB की कई टीम भी हैं जिनको ये भी कहा गया है कि दिल्ली पुलिस को असिस्ट करें, तो जाहिर तौर पर IB की भी पैरेलल एक तरीके से उनकी इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम चल रहा है। और सरकार का ये मानना है कि जो राजनीतिक दल हैं इस वक्त जो लीडर्स हैं उनको जेएनयू से दूर रहना चाहिए, कि जेएनयू इंस्टीट्यूशन तभी बचेगा जब पॉलिटिक्स से इसे दूर रखा जाएगा। और इस मामले में जो भी है, क्योंकि किसी विचारधारा के नकाबपोश हों उनको छोड़ने वाली नहीं है सरकार। दिल्ली पुलिस को साफ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इसमें जल्दी कार्रवाई हो और तय समय सीमा के अंदर कार्रवाई करके होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट दी जाए। कोई समय सीमा फिक्स की गई है इसके लिए? अनिल,
देखिए जाहिर तौर पर इसके लिए कोई आवर्स फिक्स नहीं किए गए हैं, लेकिन सरकार ये चाहती है कि 12 घंटे या 24 घंटे के अंदर एटलीस्ट पहचान कर ली जाए। और जो हमारे पास जानकारी कल रात में ही कुछ ऐसे नकाबपोश के बारे में दिल्ली पुलिस को बिल्कुल पुख्ता जानकारी भी हासिल हुई है, लेकिन अभी उसका खुलासा नहीं किया जा रहा है क्योंकि अभी इससे जांच प्रभावित हो सकती है, लेकिन पुलिस ज्यादा वक्त नहीं लगाने वाली है। इसमें साफ होना चाहिए, इसमें साफ होना चाहिए कि जो हिंसा हुई है इसके पीछे कौन है, राइट है, लेफ्ट है, सेंटर है, कौन है, इसके पीछे कौन सी आइडियोलॉजी है, ये तस्वीर साफ होनी चाहिए। आपको मुंबई लेकर चलती हूँ, मेरे सहयोगी अंकुर हमारे साथ हैं। अंकुर, संक्षेप में क्या कह रही है मुंबई, वहां पर भी छात्र निकले बड़ी संख्या में गेटवे ऑफ इंडिया पर, क्या चल रहा है मुंबई में? अदिति, कल रात से यहाँ पे भीड़ जमा हुआ है, तकरीबन 100 से 150 का जो क्राउड था वो यहाँ पर कल रात से शामिल था, और उसके बाद अब जो फिलहाल तकरीबन 85 संख्या में कुछ लोग हैं यहाँ पर जो इकट्ठा हैं, और फिलहाल जो अपनी तरफ से जो प्रोटेस्ट है, जो सॉलिडेरिटी है जो दिखानी है जेएनयू को लेकर, वो लोग जरूर दिखा रहे हैं। किसके साथ सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैं? तो छात्र गुट आपस में लड़ रहा है, वो लेफ्ट पर आरोप लगा रहा है, वो राइट पर आरोप लगा रहा है, ये किससे सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैं? देखिए फिलहाल तो ये जितने भी लोग हैं, ये मुठ्ठी भर 50-60 लोग हैं, ये फिलहाल जेएनयू को लेकर इकट्ठा हुए हैं। हालांकि जो आसपास पर्यटन स्थल है ये गेटवे ऑफ इंडिया, वहां पर जितने भी पर्यटक पूरे देश से आ रहे हैं वो सिर्फ इस तमाशे को देखकर निकल जा रहे हैं, इस भीड़ का हिस्सा नहीं है। ठीक, तो दो बड़ी खबरें इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तरफ मनोज तिवारी ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा जब एम्स में गई तो उन्होंने ये कहा कि वो एबीवीपी के घायल छात्रों से नहीं मिलना चाहती हैं। ये बड़ा आरोप मनोज तिवारी लगा रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा पर, जरा सुन लेते हैं। हम लोग जाने की कोशिश किए देखने, तो हमको तो नहीं जाने दिया गया, लेकिन कुछ नेता गए ऊपर, जैसे प्रियंका जी गई हैं, और वो जाने के बाद वो ये पूछ पूछ के कि कौन एबीवीपी का है उससे नहीं मिलना है, और कौन लेफ्ट का है उससे मिलना है, इस प्रकार से जो ये राजनीतिज्ञ कर रहे हैं छात्रों को आपस में बांटने की, उससे स्पष्ट है कि जेएनयू में जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही चिंताजनक है। जो भी दोषी हो उसकी जांच हो और उनको ऐसी सजा हो, मैं आज ये बात कहना चाहता हूं, उनको ऐसी सजा हो कि आगे से इन लोगों के ऐसे घटना करते हुए इनको कांपना चाहिए। जो मास्क थे उनकी एंट्री कैसे हुई? अगर एंट्री हो गई तो वाइस चांसलर ने क्या किया? जब ये सब शुरू हुआ तो वाइस चांसलर ने तुरंत पुलिस क्यों नहीं अंदर आने दी? तीसरा सवाल, पुलिस बाहर क्यों खड़ी थी? और चौथा सवाल, गृह मंत्री क्या कर रहा था? तो ये सवाल उठते हैं। अभी जांच करवाना, इंक्वायरी करवाना, हाँ, ये इस पे लग जाएंगे 6 महीने। तो कपिल सिब्बल खुद वकील हैं, कह रहे जांच करवाना, इंक्वायरी करवाना, तो ऐसे देश में ऐसे कौन से लीगल प्रोविजंस हैं जिसमें जांच और इन्वेस्टिगेशन के बिना ही किसी को सूली पे चढ़ा दिया जाता हो या किसी को सजा दे दी जाती हो? रूफी जदी भी हमारे साथ हैं। रूफी, आप जहां पर खड़ी हैं वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है, क्या कह रहे हैं छात्र और इस समय क्या हालात है? ऑडियो में तकनीकी खामी के चलते आवाज उनके यहां हम तक पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन ऋषि मिश्रा, प्रियंका गांधी वाड्रा, उनकी तरफ से कहा गया मोदी शाह के गुंडे यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ कर रहे हैं, मैं उनका ट्वीट पढ़ रही हूं, सर, छात्रों में डर फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैं वापस उसी सवाल पर लौट रही हूं, बिना जांच, बिना इन्वेस्टिगेशन, बिना इंक्वायरी, प्रियंका गांधी वाड्रा ये कैसे जानती हैं, ये जो आरोप लगा रही हैं? कि ये तो जांच का विषय है, ये प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं जानती कि जांच का विषय है। अब तो प्रियंका जी से सवाल कीजिएगा आप। मैं तो मांग करता हूं कि न्यायिक जांच होनी चाहिए, पुलिस की जांच में मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि कल जो घटना जेएनयू में हुई है अदिति जी, बहुत ही खेदजनक है और जेएनयू के इतिहास में पहली बार हुआ है। जेएनयू अपने डिबेट डिस्कोर्स के लिए जानी जाती थी, लेकिन इस प्रकार से फिजिकल इंगेजमेंट जेएनयू में जो देखा गया है कल, बहुत ही उसका मैं निंदा करता हूं। लेकिन 4-5 ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब हमारे सरकार को देना होगा, कि जैसा जेएनयू प्रशासन का ही मानना है कि 4 बजे से 90 बार कॉल किया गया दिल्ली पुलिस को, पीसीआर को, और दिल्ली पुलिस का भी ये वर्जन है कि पीसीआर को 90 बार कॉल किया गया। क्या
दिल्ली पुलिस कुंभकर्णी निंद्रा में सोई हुई थी, यदि कोई आदमी आपसे हेल्प मांग रहा। प्रिलिमिनरी किसी को बहुत सीरियस इंजरीज नहीं है, मोर देन 60% जो है वो डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और इस चीज को हम फर्दर देख रहे हैं। सर, पुलिस का कुछ एलिगेशन, पुलिस पर भी एलिगेशन कुछ लगा रहे थे जेएनयू के जो छात्र थे कि मूक दर्शक बनकर रही, तो उस पर क्या कहना है कि किस तरह से कार्रवाई की गई थी कल पूरी? मैं अभी यही बोलूंगा कि पुलिस हैज रिस्पॉन्डेड वेल इन टाइम। और सर एक लास्ट सवाल, कुछ जो मास्क वाले थे क्या उनके अभी तक पहचान हो पाई है, जो मास्क वाले जो अंदर? नहीं, हम सोशल मीडिया एज वेल एज जितनी भी फुटेजेज अवेलेबल हैं सबको संज्ञान में ले रहे हैं और आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस इज ऑन। और ये जो एफआईआर दर्ज हुई है आपने सुबह मोटो लिया है कि किस तरह, या फिर ये वो कह रहे हैं पुलिस रिस्पॉन्डेड इन टाइम। ऋषि मिश्रा, जल्दी से 20 सेकंड में बात पूरी कीजिए, उसके बाद में जवाब। नहीं, नहीं, ऋषि मिश्रा जी, ये जो तस्वीरें हैं ना जी, इन तस्वीरों को देखकर किसी को भी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी को इस तरह की तस्वीरें शोभा नहीं देती हैं। बिल्कुल। और उससे ज्यादा शर्म उन नेताओं को आनी चाहिए जो इसमें सियासत कर रहे हैं और हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। और आपके मुंह से अभी तक उन नेताओं के लिए एक लाइन नहीं निकली। आप क्वेश्चन में आप हमलावर हो गए, आते हैं कि हमलावर हो तो सर आप मेरे सवाल तो ले लीजिए ना। मेरा सवाल, मेरा जो लॉजिकल सवाल है कि जेएनयू में आप देश के जानी मानी पत्रकार हैं, आप भी कई बार जेएनयू गई होंगी, वहां पे बिना आईडी प्रूफ के स्टूडेंट और प्रोफेसर को भी नहीं जाने दिया जा रहा है, तो 200 से 300 हमलावर कैसे घुस गए, ये सवाल उठता है कि नहीं उठता है? 90 बार पुलिस को फोन किया गया, पुलिस क्यों नहीं रिस्पॉन्ड की टाइम पे? यदि पुलिस टाइम पे रिस्पॉन्ड करती तो ये हालात आपको देखने को नहीं मिलते और आज हम इस चीज पे डिबेट नहीं कर स्टूडेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता, स्टूडेंट देश का होता है और देश के साथ आप लोग इस प्रकार से सरकार से मैं कहना चाहता हूँ खिलवाड़ मत कीजिए। ठीक है, रोहित चल जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है आज देश का दुर्भाग्य जिस तरीके से जेएनयू से प्रीमियर इंस्टीट्यूट का नाम जिस तरीके से बदनाम करने का पूरा प्रयास, साजिश और षड्यंत्र रचा जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से आंदोलन चल रहा था, आंदोलन करना अधिकार है स्टूडेंट्स का, लेकिन आप देखिए जो स्टूडेंट, जो आम स्टूडेंट्स है वो रजिस्ट्रेशन करना चाहता था 1 तारीख से 5 तारीख तक रजिस्ट्रेशन चल रही है ना। नहीं, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसी से रिलेटेड है। एक मिनट में बात पूरी कीजिएगा, मुझे मेरे सवाल का जवाब भी चाहिए। अदिति जी, आप तो मुझे बात करने दीजिए, मेरे को अपनी बात रखने दीजिए, आप बता दीजिए मुझे क्या कहना है। देखिए अदिति जी, आप समझ लीजिए वहां पे हुआ क्या है वो समझ लीजिए। देखिए अदिति जी, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना चाहता था 3 तारीख को 1 बजे, मैं ये सारी बातें इसलिए आपको बता रहा हूं, 3 तारीख को 1 बजे जो सेंटर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिस है वहां पर नकाबपोश लोग, जिसकी आप बात करते, वीडियो भी आपने दिखाया था बीच में, जो उससे पहले वाला वीडियो था जो आपने कहा कि 5 तारीख को, वो क्या कर रहे होते हैं, वो वहां पर जाके सिस्टम को रोकते हैं, बंद करते हैं, इंटरनेट काट देते हैं। स्टूडेंट जो है, जो इस तरीके से जो वहां पर स्टूडेंट जो अपना अधिकार है जो रजिस्ट्रेशन करा, उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करने जाता, उनको वंचित करा जाता है, क्योंकि वो बायकॉट जो रजिस्ट्रेशन है उसके खिलाफ जाते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको अपनी पढ़ाई करनी है, उनको पढ़ाई से रोकने के प्रयास में लगे रहते हैं और वो फ्रस्ट्रेशन के अंदर, क्योंकि सैकड़ों स्टूडेंट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया, उनके बायकॉट जेएनयू ऐसे जो कम्युनिस्टों ने दिया था, उसके बाद भी आम स्टूडेंट जो वहां पर करता है उसकी फ्रस्ट्रेशन में ये आप चीजें देखते हैं। महत्वपूर्ण विषय यहां पर है कि जिस तरीके से आपने कहा राजनीतिक, प्रियंका जी वहां पर, योगेंद्र यादव जी तुरंत विदिन मिनट्स पहुंच जाते हैं, बृंदा करात जी विदिन मिनट पहुंच जाते हैं, एक पूरा एक प्लान पैटर्न है जिस तरीके से दंतेवाड़ा के अंदर देखिए, और ये पहली बार नहीं है इस तरीके की वायलेंस। आप ही ने खुद कहा, आप ही के पत्रकार, चाहे वो रवि त्रिपाठी जी इस तरीके से पहले वायलेंस के शिकार हो, पूजा जी वायलेंस का शिकार हुई हो, आप देखा है कि इस तरीके से दंतेवाड़ा जेएनयू मत बनाइए ना। देखिए, केरला और पश्चिम बंगाल के अंदर यही स्थिति होती है, जब पत्रकार के ऊपर हमला होता है जी न्यूज के, तब आप लोग कुछ नहीं बोलते। जब रवि त्रिपाठी जी पे, पूजा जी पर, महिला पत्रकार पे हमला होता है, कुछ नहीं होता। आप ये मत कीजिए, मेरा माननी चाहिए आप लोगों को, मत कीजिए जेएनयू को, बदनाम मत कीजिए आप लोग। अच्छा, स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करने दीजिए, पढ़ाई करने दीजिए, पत्रकारों को आप बम बंदी कहेंगे, मानी चाहिए। पत्रकारों का कैमरा तोड़ दिया गया, भारत माता की जय लगाने वाले जो छात्र पुलिस के सामने। सुनिए जी, आवाज आ रही है सर, जेएनयू में क्या हो रहा है सर? बिना इन्वेस्टिगेशन, बिना इंक्वायरी, ये जजमेंट कैसे पास किया जा रहा है कि फलाना के लोग थे, फलाना के गुंडे थे, फलाना के लोगों ने हमला कर दिया? जेएनयू में पुलिस दंगा करा रही है, क्योंकि 3 घंटे दंगा होने दिया। मैंने 3 दिन पहले कहा था कि पहले नकाबपोश भी एबीवीपी के हैं, दूसरे नकाबपोश जिन्होंने ये तोड़े हैं कंप्यूटर्स, ये भी एबीवीपी के हैं, क्योंकि नकाब पहन के आए।
तीसरे नकाबपोश ने तो अपना नंगा नाच किया। सर तो आपके हिसाब से दिल्ली पुलिस है इसमें? तो ये बिल्कुल क्लियर है सर, एक बार आप डिसाइड कीजिए सर, आप लोग एक बार डिसाइड कर लीजिए कि दिल्ली पुलिस जाए तो आपको दिक्कत है, दिल्ली पुलिस कैंपस में नहीं जाए तो आपको दिक्कत है सर। मुझे इस पर क्लैरिटी आप लोगों से आज तक नहीं मिल पाई। चली जाती है तो आपका सवाल होता है कैसे घुस गई, कैसे घुस गई? आज आप पूछ रहे घुसी क्यों नहीं सर, अंदर क्यों नहीं गए कैंपस में सर? ये कंफ्यूजन की स्थिति है। आप लोग पहले दिल्ली पुलिस को लेकर आपका रुक गया, उसको क्लैरिटी, उस पर क्लैरिटी दीजिए। गीता भट 30 सेकंड्स और उसके बाद प्लीज सर, प्लीज मैं अगले हाफ एन आवर में आपको टाइम दूंगी सर, प्लीज गीता भट जल्दी से। मैं आदिति जी देखिए किसी भी विश्वविद्यालय की जो जी विश्वविद्यालय की जो गरिमा है वो वहाँ के छात्रों और शिक्षकों से होती है, और जो स्टूडेंट एक्टिविज्म की जहां तक बात है वो जीवंत बनाती है किसी भी विश्वविद्यालय को। लेकिन जो मारपीट की घटना और हिंसा की घटना जो कल देखी गई है, मतलब देख के बहुत ही दुख भी है और बहुत चिंताजनक है। लेकिन दुख इस बात का भी है कि जो विपक्षी दल अभी जिस प्रकार आपने दिखाया कि खास करके वामपंथी दलों के नेता जिस प्रकार आके जो जैसे बिना अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, और जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि जो है जो इसमें जो गृह मंत्री लगातार जारी है, एक बार फिर से पूरा दिखाई दे रहा है कि स्क्रीन पर आना बहुत जरूरी है क्योंकि आज हमारे दर्शकों को ये देखना चाहिए कि यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, कहने को ये यूनिवर्सिटी है लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो राजनीतिक अखाड़े से कम तस्वीरें नहीं है। जिस तरह से संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है बहुत चिंता बढ़ाने वाला है। सियासत जारी है, ये बड़ी कवरेज भी जारी है, ब्रेक के उस पर। तो जल्दी से आपको कुछ अपडेट्स हम दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा दंगे और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचने के मामले में दर्ज की गई है FIR, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। साथ ही JNU प्रशासन से CCTV फुटेज देने के लिए कहा गया है दिल्ली पुलिस द्वारा, क्राइम ब्रांच को इसकी जांच सौंप दी गई है और कुछ नकाबपोश लोगों की पहचान भी की गई है। स्मृति ईरानी क्या कह रही है जल्दी से आपको वो सुनवा देते हैं। केंद्रीय मंत्री, शैक्षिक संस्थानों को राजनीति का अखाड़ा ना बनाया जाए, इससे हमारे जितने भी छात्र हैं उनके जीवन पर असर पड़ता है, उनकी प्रगति पर असर पड़ता है। मैं आशान्वित हूँ, आशावादी हूँ कि राजनीति का अखाड़ा और राजनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल छात्रों को नहीं किया जाएगा। और आपको एक और बड़ी खबर इस वक्त हम दे रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से बात की है, JNU के प्रतिनिधियों को बुलाकर बात करें उपराज्यपाल। गृह मंत्री द्वारा अनिल बैजल उपराज्यपाल हैं दिल्ली के, उनसे कहा गया है। ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक कर लेते हैं जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला का। मनीष, गृह मंत्री की उपराज्यपाल से बात, ये कि आप बुलाइए JNU प्रशासन से बात कीजिए, और क्या डिटेल्स? जी बिल्कुल आदित्य, गृह मंत्री ने LG को फोन किया है थोड़ी देर पहले, करीब आधा घंटा पहले, और ये कहा है कि JNU के जो भी प्रोफेसर्स हैं या स्टूडेंट यूनियंस हैं उनसे वो मुलाकात करें और इस मामले को सुलझाएं ताकि बच्चे JNU के अंदर पढ़ाई कर सकें। तनावपूर्ण जिस तरीके से माहौल बना हुआ है वो माहौल ख़त्म होना चाहिए और जो भी इसके दोषी हैं उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। ये बात उन्होंने कल पुलिस कमिश्नर को भी कही थी। तो लगातार होम मिनिस्टर बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को जल्द सुलझाया जाए। तो LG ने कहा है, जैसा कि हमें जानकारी मिली है, कि वो इस मामले में सभी पक्षों को बुलाएंगे और मैटर को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कराएंगे। तो देखने की बात है कि ये सारा मामला कब तक इसका पूरा सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो तमाम जो स्टूडेंट्स यूनियन हैं, कई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और कई ऐसे स्टूडेंट यूनियंस हैं जो अलग अलग पार्टी से एफिलिएशन है, वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले हैं। उनके अलग अलग यहाँ टाइम है, कोई 2 बजे कर रहा है, कोई 12 बजे कर रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी इस तरीके के प्रोटेस्ट होने के कार्यक्रम रखे गए हैं। तो जहाँ पर राजनीतिक दल अभी इसकी सेंसिटिविटी समझ नहीं रहे, इस वक्त कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए इस मामले में, पुलिस पर छोड़ देना चाहिए कि पुलिस कार्रवाई करे, जो भी दोषी है उनको उनके ऊपर एक्शन ले। अगर ऐसा नहीं होता है तो तब ये विरोध हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल पुलिस को भरोसा करने की जरूरत है। ये बात कहीं ना कहीं सरकार के लेवल पे और सबके भले के लिए भी है, लेकिन होम मिनिस्टर इसको लेकर के काफी सेंसिटिव है। होम मिनिस्टर संजीदा है, दिल्ली पुलिस क्या कह रही है अपने दर्शकों को जल्दी से वो सुनवा देते हैं। मनीष, JNU में कल जो वायलेंस हुआ
उसको संज्ञान में लेते हुए हमने पुलिस स्टेशन वसंत कुंज नॉर्थ में ऑलरेडी एक FIR दर्ज कर लिया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे। सोशल मीडिया एज वेल एज जितनी भी फुटेजेज अवेलेबल हैं सबको संज्ञान में ले रहे हैं और आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस इज ऑन। तो पुलिस रेस्पॉन्डेड इन टाइम, ये कह रही है दिल्ली पुलिस। सीपी सिंह जी, ये यूनिवर्सिटी है, ये राजनीतिक अखाड़ा है। दूसरा, पुलिस के रोल को लेकर मुझे समझ नहीं आ रहा, जो लोग आज ये कह रहे हैं कि कैंपस में क्यों नहीं गई पुलिस, क्यों ये तांडव होने दिया, वही लोग जब पुलिस नहीं जा रही थी, पुलिस चली गई थी तब भी सवाल उठा रहे थे। इतने कॉन्ट्रडिक्शन है और इस सबके बीच विपक्ष जजमेंट लगातार पास कर रहा है। देखिए, JNU राजनीति का अखाड़ा अपने जन्म से ही है, ये जो लोग JNU के नहीं है वो जान लें और जो JNU के हैं इस सच को स्वीकार कर लें। अब जो कुछ आप देख रही हैं वो इसलिए हो रहा है कि अब विचारधारा के वर्चस्व की लड़ाई हो गई है। जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरी विचारधारा है, गैर वामपंथी विचारधारा, उसके संगठन भी सामने आ गए हैं और अभी जो तात्कालिक हिंसा हुई है उसके पीछे एक तीसरा फैक्टर जुड़ गया है। वो तीसरा फैक्टर यह है कि जो छात्र नए सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे थे उनकी संख्या रजिस्ट्रेशन के विरोध के बावजूद 1600 क्रॉस कर चुकी थी 4 तारीख को। इसकी वजह से जो हमारे वामपंथी संगठन है वो बिल्कुल हताश हो गए और इस हताशा में पहले तो उन लोगों ने, जैसा आपको मालूम है कि जो रजिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड सर्वर रूम में होते हैं उनको 2 बार क्षतिग्रस्त किया, वहां पे नकाब पास लोग गए और ये नकाब पोस लोगों में 80-90% इंटरनल लोग हैं, ये कोई बाहर के लोग नहीं है, ये बाहर के लोग नहीं। आप चुप रहिए, प्रशासन JNU प्रशासन जाने दिया तब तो गए और लिखा। देखिए, सच को बर्दाश्त करने की इनमें क्षमता नहीं है, दिल्ली पुलिस को पहले चुप कराइए, आज अधूरी बात कीजिएगा, देश को गुमराह कीजिएगा JNU पे, JNU पे बैठ के आप JNU का ठेका ले रखे, आप ठेका ले रखे, फिर आप इनको एक रिंग दे दीजिए, आप इनको एक रिंग दे दीजिए, इन्हें बोलने दे रहे, ठेका ले रखे हैं। चलिए मिश्रा जी, 90 बार कॉल किया गया, वहाँ छात्रों को मारा गया, ये है आपका नारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसी कोशिश देश की बेटी है कि नहीं है? अरे प्रियंका जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर रहे हो, सर चाहिए आपको, प्रियंका जी को भेजना कोटा, अरे कोटा भेजना, वो 112 बच्चों की मौत हो गई, गुजरात गांधी जी गए क्या, सुनने गई क्या, गुजरात मोदी जी गए क्या, यहाँ बच्चों का दंगाइयों तक तो प्रियंका जी पहुंच जाती है, छाती पीटने दंगाइयों के लिए लोग पहुंच जाते हैं, एक बार कोटा गई प्रियंका गांधी, रोहित चहल गुजरात में किसी को जाने की जरूरत है, राजकोट अहमदाबाद बिल्कुल ठीक है, उस डिबेट में मत जाइएगा, उस डिबेट में मत जाइएगा, आप सभी लोग एक्सपोज हो जाएंगे, प्लीज स्टिक टू द टॉपिक। नहीं, रोहित चहल उस डिबेट में मत जाइएगा, रूपाणी साहब कैसे माइक से भाग गए थे वो भी देखा है दुनिया ने, प्लीज बैठ जाइए। सीपी सिंह साहब बोलिए, बात पूरी कीजिए। तो ये मैं ये कह रहा था कि जो विचारधारा की लड़ाई है अब उसमें टक्कर हो गई है, पहले टक्कर नहीं थी, पहले वामपंथियों की मोनोपोली थी, उस मोनोपोली को दूसरे छात्र संगठनों ने तोड़ा है और सबसे बड़ी बात जो इस बार हो गई है कि जो छात्र रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे थे, फीस देकर के अपनी पढ़ाई जारी रखना चाह रहे थे नए सेमेस्टर में, उन लोगों को शिकार बनाया गया और उन लोगों ने आत्मरक्षा में प्रतिहिंसा की है, जो JNU कैंपस में पहली बार हुआ है, ऐसा पहले नहीं हुआ था। और अगर सर ये क्या जस्टिफिकेशन है वायलेंस का? बिल्कुल जस्टिफिकेशन नहीं है। क्या यूनिवर्सिटी में हिंसा के लिए गुंजाइश है सर? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या डेमोक्रेसी में? बिल्कुल नहीं है। गुंजाइश है हिंसा के साथ? ये JNU देश का प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है सर, जहाँ पर टैक्स पेयर का पैसा जाता है सर। मैं तो आइडियोलॉजी की बात नहीं कर रही हूँ सर, मैं किसी आइडियोलॉजी की बात नहीं कर रही, हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे शर्म आ रही है। बिल्कुल, मैं इसमें एक और बात आपको जोड़ देना चाह रहा हूँ कि ऐसी ही स्थिति, हिंसा की स्थिति 1983 में एक बार हुई थी, जब इंदिरा गांधी ने 1 साल के लिए JNU कैंपस को साइनेडाई कराया था, इंदिरा गांधी को वहां घुसने नहीं दिया गया था और 1000 से ज्यादा छात्र गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद साल भर एडमिशन नहीं हुआ था और कैंपस तब जाके नॉर्मल हुआ था। आज भी JNU में साइनेडाई की जरूरत है,
क्योंकि जो इतिहास के छात्र हैं, राजनीति के छात्र हैं, उनके प्रोफेसर हैं, जो लिटरेचर के छात्र हैं, वे साइंस वालों को लैब में नहीं जाने दे रहे, उनको रिसर्च करने नहीं दे रहे, उनको में नहीं जाने दे रहे, नहीं जाने दे रहे हैं, तो जेएनयू प्रशासन क्या कर रही है? जेएनयू प्रशासन क्या कर रही है? वहां पर प्रोटेस्ट की इस वक्त तैयारी की जा रही है जेएनयू में छात्रों के साथ सॉलिडारिटी दिखाने के लिए। ये जादवपुर यूनिवर्सिटी की तस्वीरें, एक बार फिर से आपको जेएनयू लेकर चलती हूं। मेरे सहयोगी अमित प्रकाश हमारे साथ हैं। अमित, आप जहां पर खड़े हैं वहां पर इस वक्त आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है? क्योंकि पुलिस कह रही है, पुलिस पर आरोप भी लग रहा है, लेकिन पुलिस कह रही है कि हमने वक्त रहते एक्शन लिया है, क्राइम ब्रांच को जांच की बात कही जा रही है, FIR की बात कही जा रही है। जेएनयू प्रशासन इस सबके बीच कहां पर है? देखिए अदिति, इस वक्त कोई इन्फॉर्मेशन देने से पहले सीधी तस्वीर एक बार दिखानी जरूरी है। ये जेएनयू का मेन गेट है और इस वक्त जो सख्ती है, यहां जितनी भी प्राइवेट सिक्योरिटी के अलावा दिल्ली पुलिस के जवान भी हैं और अंदर जाने वालों की चेकिंग के बाद ही उनको अंदर जाने की इजाजत है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो मीडिया के लोग हैं, जो पुलिस के लोग हैं, जो अंदर आना चाहते हैं, उनको बिना उनकी पहचान बताए वो अंदर नहीं जा सकते। एक के बाद एक लगातार ये मैसेजेस आ रहे हैं और अलग अलग, हम चाहे हम जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की बात करें, AISA की बात करें या फिर ABBP की बात करें, अलग अलग प्रोटेस्ट हैं, अलग अलग शांति मार्च की भी अपील की गई है। और साथ साथ अगर जेएनयू के कैंपस के अंदर की अगर बात करें तो लगातार पुलिस फ्लैग मार्च रात को कर रही थी और अभी भी लगातार इस बात की चेकिंग की जा रही है कि जो मोबाइल्स लोगों के पास हैं, जो स्टूडेंट्स के अंदर एक्टिविटीज हैं, वो नॉर्मल रहे, क्योंकि कल जिस तरीके से नकाबपोश लोगों के घूमने की बात आ रही थी। अब एक नया वीडियो जो आपसे थोड़ी देर बाद हम आपको वो दिखाएंगे भी, उस वीडियो में एक नई लीडर की बात आ रही है, जो लोग नकाबपोश लोगों को लेके घूम रहे थे रात को, उसको जो लीड कर रही थी एक लड़की थी जो कि जेएनयू की प्रेसिडेंट रही है विगत साल 2017 में, ऐसी बात आ रही है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। तो तमाम ऐसी तस्वीरें और तमाम ऐसे वीडियोस के साथ हम कुछ और इन्फॉर्मेशन अब अपडेट करेंगे थोड़ी देर में दर्शकों को। सचिन अरोड़ा, तीन बातें यहां पर साफ दिखाई दे रही है, आरोप और प्रत्यारोप, जेएनयू एक बार फिर से राजनीतिक अखाड़ा और सियासत चमकाने की कोशिश, और इस सबके बीच छात्र जिस तरह से एक बार फिर से मोहरा बन गए हैं, बहुत चिंता बढ़ाने वाला है। जाहिर सी बात है, छात्र जिस तरीके से मोहरा बन गए हैं, और दूसरा ये हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी, रात को जिस वक्त ये पूरा इंसिडेंट चल रहा था अदिति, ये खत्म नहीं होता है। एम्स में अभी छात्र इलाज करवाने के लिए पहुंचते हैं, वहां पर जो भी विपक्ष नेता, भले वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर वृंदा कारात, वो बाकायदा हाथ में माइक लेकर के एक तरीके का वहां पर भाषण देते हैं। वृंदा कारात बाकायदा भाषण देती है और केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस पर इल्जाम लगा देती है। तो क्या ये उनको था, क्या यह सुनियोजित था? और दूसरा, किसको फायदा हो सकता है इस तरह की चीजों का, कि यहां पर ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जेएनयू में इंसिडेंट हुआ हो, ये कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि साइड बाय साइड इन चीजों को बार बार की जाने की। भले आप उत्तर प्रदेश में CAA को लेकर के हिंसा आपने देखी हो जिसमें PFI का हाथ सामने आया, या फिर आपने हिंसा देखी हो कि दिल्ली में जिस तरीके की सड़कों पर हुई, उसके बाद हमने देखा कि अब यहां जेएनयू को लेकर के हुआ, और जो बाकायदा जादवपुर यूनिवर्सिटी में हमने देखा जिस तरीके का प्रदर्शन हुआ। तो कौन ऐसी ताकतें हैं जो ये कहीं ना कहीं चाहती हैं कि न केवल कैंपस के माध्यम से ही सही, भारत की एक डिस्टर्बेंस वाली जो तस्वीर है वो विश्व में जाती है? बिल्कुल, एक कॉन्स्पिरेसी लगती है, ये सुनियोजित साजिश लगती है। रोहित चल, वैसे आप भी छात्र राजनीति से ही निकल कर आए हैं, कि किस तरह की छात्र राजनीति है भाई? देखिए बिल्कुल अदिति जी, मुझे लगता है कि छात्र राजनीति बिल्कुल इस तरीके की नहीं है, और मैं फिर कहना चाहूंगा स्टूडेंट पॉलिटिक्स में वायलेंस बिल्कुल भी कहीं तक जगह नहीं है, और एक तरीके से वायलेंस की फैक्ट्री वामपंथियों ने बता दी। और अभी जो आपके रिपोर्टर बता भी रहे थे, जो वीडियो भी आपने चलाया, जो मास्क पहन के लड़कियां बैठी हुई हैं, लड़कियां जो कपड़ा बांधती बैठी, गीता कुमारी उसका नाम है, एक्स JNUSU प्रेसिडेंट है, जो कोने में बैठी हुई है, उसका चेहरा आप एक कोने में वीडियो में देख सकते हैं, आप ही जो वीडियो चला रहे हैं। तो वहां पर अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, जेन्युइन मांग को लेकर मैं आपको रोक रही हूं, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वही का रुख कर रहा है। देखिए मुझे लगता है जो गीता कुमारी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिस तरीके से आप देखेंगे,